जी तो दोस्तों, आज के आई फैक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि हम मच को इंग्लिश में कब यूज़ करते हैं और मैनी को इंग्लिश में कब यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। नाउन्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कोई भी चीज़ें, मतलब अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह हो गया वाटर, जिस तरह हो गया सॉल्ट, शुगर और इसी तरह की और चीज़ें, और टी हो गया, कॉफ़ी होगी, ये ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आप वाटर को काउंट तो नहीं कर सकते ना, आप ये कह सकते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन वाटर तो इतने मॉलिक्यूल से बनता है तो उसको हम अनकाउंटेबल कहेंगे। इसी तरह दूसरी जो चीज़ है वो है काउंटेबल, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिस तरह हो गए ऑरेंजेस, एप्पल्स, एग्स, इनको आप काउंट कर सकते हैं, छः ऑरेंजेस, चार अंडे, ठीक है, पांच एप्पल्स। तो अगर तो हमने बेसिकली क्वेश्चन पूछना है या नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना है तो हम मच यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। जिस तरह हाउ मच वाटर, पानी, कितना पानी, या पानी देना, कितना पानी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर, तो ग्लास जो है वो काउंटेबल है, लेकिन अगर आपने सिर्फ पूछना है कितना पानी तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर। और इसी तरह आप कह सकते हैं आई हैव वंट, आई हैव नॉट, और यह इस तरह पूछ सकते हैं कि जिस तरह हाउ मच शुगर डू यू यूज डेली, कि आप कितनी चीनी यूज़ करते हैं डेली, ठीक है। अब शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते तो इसलिए हमने वहाँ पर जो है मच को यूज़ किया है। लेकिन यही चीज़ अगर हमने पूछना, आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा यार सेब दे दें, अंडे दे देना, तो वो पूछेगा हाउ मैनी एग्स डू यू नीड, कि आपको कितने अंडे चाहिए हैं। तो वहाँ पे मच नहीं यूज़ होगा क्योंकि हम अंडों को काउंट कर सकते हैं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, ऑरेंजेस को काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ शुगर, ठीक है, कि मतलब चीनी के कितने क्यूब्स, अगर क्यूब में है तो फिर हम मैनी को यूज़ करेंगे शुगर के लिए, लेकिन अगर वो पाउडर फॉर्म में है, दानेदार फॉर्म में है, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो फिर हम मच यूज़ करेंगे। इसी तरह बेसिकली अगर तो हमने अफर्मेटिव फॉर्म में यूज़ करना है तो आमतौर पर अफर्मेटिव फॉर्म में हम मच यूज़ नहीं करते, जिस तरह मैं ये नहीं कहूँगा आई हैव मच मनी, कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, ठीक है जी। तो ये जो है गलत फॉर्म है, इसके बजाय हम यूज़ करेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है जी। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ हम यूज़ कर सकते हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो आई हैव अ लॉट, आई हैड लॉट ऑफ फन, ठीक है। अगर आप पार्टी में गए, बहुत मज़ा आया, तो उसको काउंट नहीं कर सकते कितना मज़ा आया, तो इसलिए हम कहेंगे आई हैड अ लॉट ऑफ फन या आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। या फिर आप देखें नेगेटिव फॉर्म में इसी चीज़ को मैंने कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मच मनी, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ अफर्मेटिव फॉर्म में कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये कहना है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो अ लॉट ऑफ ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। अब देखें काउंटेबल की फॉर्म में आप अ लॉट ऑफ यूज़ करें या फिर आप मैनी यूज़ कर लें तो कोई मसला नहीं है। जैसा मैं ये कहूँगा आई हैव मैनी कार्स, अब गाड़ियाँ गिनी जा सकती हैं इसलिए मैंने मैनी यूज़ किया है, इसी चीज़ को हम हिस्सा भी कह सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ कार्स, आई हैव लॉट्स ऑफ कार्स। तो इन तीनों जो सेंटेंसेज हैं इनका जुमला मतलब ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि मच जो है हम
का वर्ड उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में बात करनी हो, जैसा पानी, चीनी, सॉल्ट वगैरह। और जो है जब हमने काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करनी हो, काउंटेबल चीज़ों के बारे में बात करनी हो, तो फिर हम मैनी को यूज़ करते हैं। नेगेटिव फॉर्म में भी हम मच को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने अफर्मेटिव फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में यूज़ करना हो, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि हम अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ यूज़ करें मच के बजाय। मैनी को हम बेसिकली काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में। और उसको हम अलॉट ऑफ, अगर अफर्मेटिव फॉर्म है या नेगेटिव फॉर्म है, तो हम अलॉट ऑफ से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ आई फैक्टनर, मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, गुड डे।